हे मेरी बचा लोग, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? मैं भी बिल्कुल मज़े में। और इसी मज़े मज़े के साथ कर लेते हैं थोड़े से नाउन के वर्कशीट्स। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि नाउन के वर्कशीट्स आएंगे। नाउन का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा आप जाकर देखो, आपको मज़े मज़े के साथ नाउन भी समझ में आ जाएगा और उसी मज़े मज़े के साथ चलो ये वर्कशीट भी सॉल्व करो। ठीक है, तो हम क्या करने वाले बेटा? कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करने वाले, बहुत ही इजी होने वाला और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप अभी लाइक कर सकते हो या फिर चाहो तो आप वीडियो पूरा देखने के बाद भी लाइक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लाइक कर दिया करो, कंजूस हो। ठीक है, और नेक्स्ट आपको क्या कहना था? जी हाँ, अगर आप चार बने हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, रेड बटन दबाने से आपको कुछ नहीं जाता, तो इसे सब्सक्राइब दे देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसी अच्छी अच्छी बातों से। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हमें करना क्या है? हमारा टास्क बेटा है अंडरलाइन नाउन इन एवरी सेंटेंस। आपको जितने भी यहाँ नाउन देखेंगे ना, पकड़ पकड़ के सबके अंडर में क्या करना, आपको एक लाइन लगा देना है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करना है बेटा, लाइन लगा देना है। चलो आओ ढूंढते हैं नाउन को। वैसे तो मैंने पहले कर रखा है ताकि मुझे ढूंढ ढूंढ करके आपका टाइम ना वेस्ट करना पड़े, लेकिन आपको भी ये समझना है कि मैं कैसे उस वर्ड को अंडरलाइन की हूँ। ठीक है, देखो जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस क्या है बेटा, माई बैग इज ऑन द टेबल। मेरा बैग कहाँ है? टेबल पर है। ठीक है, अच्छा अब आपका जो बैग है, बैग वो क्या है बेटा? वो एक नाउन है। ठीक है, आप कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख लो, आपका कोई और तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बन नहीं रहा, क्योंकि बैग ना वर्ब है ना एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ना प्रीपोजिशन ना कंजक्शन, तो क्या है बेटा? ये नाउन है। ठीक है, नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, जैसे कि आपको नाउन का डेफिनेशन पता ही होगा, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ठीक है, तो थिंग्स में आ जाते हैं आपके बैग। ठीक है, देन टेबल भी आपका थिंग्स में आ जाता है, तो बेटा क्या है यहाँ पर? टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो गया? बैग हो गया, देन टेबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा द डैश, डैश नहीं है मतलब ऑब्वियसली द बॉक्स इज एम्प्टी, क्योंकि मैंने डैश इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, क्योंकि बॉक्स क्या है बेटा? थिंग है, अगेन नेम ऑफ अ थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फटाफट से? बॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, मज़ा आ रहा है करने में, कोई ज़्यादा इशू भी नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, माई हाउस हैज़ अ बिग गार्डन। मेरे हाउस के पास क्या एक बड़ा सा गार्डन है, बहुत बड़ा सा बगीचा है जिसमें मैं खेलता हूँ, बदमाशी करता हूँ। ठीक है, तो क्या है बेटा? माई हाउस, हाउस क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली नेम ऑफ अ थिंग। देन आपका गार्डन क्या हो जाएगा? गार्डन क्या हो जाएगा? गार्डन आपका एक नेम ऑफ प्लेस में आ सकता है। ठीक है, वैसे तो नेम ऑफ प्लेस है नहीं, लेकिन क्योंकि हमने स्पेशली उस गार्डन का नाम नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं ये प्लेस है। ठीक है, हाउस भी बेटा प्लेस में आ जाएगा, इट्स नॉट अ थिंग। ठीक है, छोटी सी कोई चीज़ नहीं है, घर घर होता है। ठीक है, हाँ तो ये भी आपका प्लेस में आ जाएगा। देन आता है बेटा मुकेश एंड राकेश, ये क्या हो जाएगा बेटा? नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, मुकेश एंड राकेश क्या है? पर्सन है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? पर्सन। देन ये भी नाउन ही है। ठीक है, देन आता है बेटा नेक्स्ट आपका रोहन इज फ्लाइंग अ काइट। रोहन क्या कर रहे हैं? काइट को उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो काइट को उड़ा रहे हैं, अब उस ख्वाब में मत खो जाओ। ठीक है, काइट को उड़ा रहे तो मैं भी उड़ाऊंगा। ठीक है, बाद में उड़ाना, पहले अभी देख लो। रोहन क्या है? रोहन क्या है बेटा? नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, और काइट क्या है? नेम ऑफ अ थिंग। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया बेटा? फटाफट से अंडरलाइन करो, पकड़ो इनको, पकड़ के अंडरलाइन करो। कर लिया, चलो आ जाओ। ओरन, ओरन इज माई पेट डॉग। कैसे कैसे नाम रखते हैं ना लोग, मतलब ओरन, ओ गॉड, टॉमी रख देते इतना इजी सा, लेकिन नहीं, उसको कुछ स्पेशल नाम देना तो ओरन रख दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओरन इज माय पैट डॉग। ठीक है, ओरन क्या है? मेरे पैट डॉग हैं। ठीक है, ओरन एक नेम है, किसका नाम है भाई? एनिमल का नाम है, बड़ा स्पेशल नाम है। डॉग भी क्या है बेटा? एनिमल ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ओरन क्या हो जाएगा बेटा? नाउन हो जाएगा, डॉग नाउन हो जाएगा। पकड़ो दोनों को और फटाफट से एकदम तुरंत अंडरलाइन करो। हाँ, समझ में आ गया, अंडरलाइन तुरंत कर देना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है बेटा द टॉयज आर कैप्ट इन माई बास्केट। इन माई बास्केट नहीं, द टॉयज आर कैप्ट इन बास्केट। ठीक है, तो टॉयज क्या हो जाएंगे? टॉयज भी आपके नेम ऑफ थिंग में आ जाएंगे। ठीक है, बास्केट भी नेम ऑफ थिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी नाउन हो गया बेटा। नेक्स्ट है आपका रानी हैज अ रेड पेन। रानी के पास क्या है? रेड पेन है। रानी नेम ऑफ अ पर्सन, पेन क्या है? नेम ऑफ अ थिंग। तो फटाक से आप इसको भी पकड़ के अंडरलाइन कर दो। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इसमें क्या करना है, इसमें सर्कल करना है। ठीक है, इसमें आपको अंडरलाइन करना था, इसमें सर्कल करना है, मतलब नाउन का ही आज पूरा हम बात करेंगे। ठीक है, वो भी किसी स्पेशल नाउन का नहीं, सिर्फ
और सिर्फ नाउन का, ठीक है, हम किसी टाइप्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो फटाफट से हम देखते हैं नाउन, फटाफट से हम इसको सर्कल करेंगे और फटाफट से खत्म करेंगे अपना वर्कशीट। ओके, सो यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, फर्स्ट में कह रहा है सोनी इज सिक्स ईयर्स ओल्ड। सोनी क्या है, सिक्स ईयर ओल्ड है, तो क्या यहाँ पर एक ही नाउन है? जी हाँ, यहाँ पर सोनी ही सिर्फ नाउन है, बाकी कुछ भी यहाँ पर नाउन नहीं है, ठीक है। रानी इज अ गर्ल, रानी क्या है, एक लड़की है। रानी क्या हो गया बेटा, ये भी एक नाउन हो गया, और गर्ल क्या हो गया, ये भी एक नाउन हो गया, ठीक है। देन आ जाता है बेटा आपका जो जग फेल ऑन द फ्लोर, ठीक है, वो जो जग था वो क्या हो गया बेटा, गिर गया फ्लोर पे, ठीक है। फ्लोर मतलब फर्श पे, जमीन पे आप कह सकते हो, ठीक है। द जग, तो जग क्या हो जाएगा बेटा, नाउन ऑफ नेम ऑफ थिंग हो जाएगा, तो ये भी नाउन है, फ्लोर भी आपका नाउन में आ जाएगा, ठीक है। देन आ जाते बेटा रूबी इज ईटिंग चॉकलेट, रूबी क्या कर रही हैं, चॉकलेट खा रही हैं, किले किले चॉकलेट खा रही हैं, ठीक है, चटोरी कहीं की, तो रूबी क्या हो जाएंगे बेटा, रूबी नेम ऑफ पर्सन हो जाएंगे और चॉकलेट क्या हो जाएगा, ठीक है, अब समझ ही जाओ, चॉकलेट का नाम नहीं ले रहा मुझे। देन आ जाता है बेटा सैम, सैम राइट्स अ पेपर, सैम क्या कर रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, ठीक है। सैम क्या कर रहे हैं बेटा, पेपर लिख रहे हैं, तो क्या करना है आपको भी फटाफट से सैम को पकड़ के उनके, आपको उनको सर्कल कर देना है, ठीक है, क्योंकि बेटा ये नेम ऑफ अ पर्सन है और पेपर क्या है आपका, नेम ऑफ अ थिंग आ जाएगा। मीना, 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 ठीक है, मीना इज प्लेइंग गिटार, मीना क्या कर रही हैं, गिटार बजा रही हैं, मस्ती कर रही हैं, शायद इनके एग्जाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो मीना क्या कर रही है बेटा, गिटार बजा रही, बजाने दिया जाए ना गिटार। मीना आपके हो जाएंगे बेटा नाउन, क्योंकि ये पर्सन का नाम है और गिटार क्या हो जाएगा बेटा, थिंग का नाम है। तो बहुत ही सिंपल सा वर्कशीट था ये, कोई इशू नहीं आ रहा चाहिए इसमें। इसके बाद मैं पार्ट्स लाऊंगी और पार्ट्स के भी एक एक करके मैं वर्कशीट लाऊंगी, ठीक है। मिलते रहेंगे आपको ऐसे नए नए वीडियोस हर दिन, इंटरेस्टिंग वीडियोस, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आएगा उसे लाइक भी कर देना, कंजूस हूँ।